समय के अनुसार समय चलते चलते अश्विन यानी क्वार के महीने पे पहुंचा। अब क्वार के महीने की शरद पूर्णिमा का दिन है। शरद पूर्णिमा के दिन वाली रात के लिए ही भगवान ने क्यों कहा? किसी भी पूर्णमासी के लिए कह देते, याद रखना क्वार के महीने की जो पूर्णमासी होती है उसे शरद पूर्णिमा कहते हैं। अब इस शरद पूर्णिमा के दिन वाली रात में चंद्रमा 16 कलाओं से खिला होता है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार संसार में 64 कला से हुआ है। कितनी कलाओं से? 64 कलाओं से। ये 64 कला फुल पावर है, फुल पूर्ण पूर्ण पावर है। लेकिन भगवान को जरूरत केवल 16 कला की पड़ी। 16 कला से तो भगवान ने तीनों लोकों में जलवा कर दिया। अब आप 64 में 4 का भाग लगाओ कितना उत्तर आएगा? 64 में 4 का भाग लगाओ कितना उत्तर होगा? 16। 64 में 4 का भाग करने से 16 आएगा। अब 16 में 4 का गुणा करो, 16 में 4 का गुणा करोगे तो 64 हो जाएगा। यानी 4 का भाग लगाओगे तो 16 हो जाएगा और 16 में 4 का गुणा करोगे तो 64 हो जाएगा। तो समझ लेना जो 64 है वो 16 है, जो 16 है वो 64 है, यानी पूर्ण पावर है। ये परमात्मा श्री कृष्ण पूर्ण है। तो आज पूर्ण होने के कारण भगवान को पूर्णमासी की जरूरत है। शरद पूर्णिमा के दिन वाली रात में चंद्रमा 16 कलाओं से खिला होता है। चंद्रमा की चांदनी का सहयोग चाहिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का अवतार चंद्र वंश में हुआ है। आज वही हुआ।